पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में ईद की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई। शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद ने नमाज अदा करवाई। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी हेमंत कुटियाल ईदगाह पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 10 सेक्टरों में ईदगाह क्षेत्र को बांटकर मजिस्ट्रेट और सीओ की तैनाती की गई थी। नगर निगम की टीमों को रोड पर मुस्तैद रखा गया। मौसम को देखते हुए बारिश की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन नमाज के दौरान बारिश नहीं हुई और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। नमाज में काफी संख्या में नमाजियों ने हिस्सा लिया। ईदगाह परिसर में काफी संख्या में नमाजी पहुंचे। इस दौरान मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस टी हसन भी ईदगाह पहुंचे। नमाज के बाद उन्होंने सभी को मुबारकबाद दी। एक कैंप लगाकर वहीं सभी से गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। डीएम और एसएसपी ने भी गले मिलकर मुबारकबाद दी। अल्लाह ताला का बरकत बहुत एहसान है कि आज हमारे मुरादाबाद भी अल्लाह की ईद की नमाज ईदगाह में बहुत शान और शौकत से और अमन तरीके से भाईचारे से प्यार मोहब्बत अदा की गई। इस पर सबसे बड़ा इसका योगदान जो है हमारे हमाम का प्रशासन के अच्छे तालमेल का है और हमारी जनता हिंदू मुसलमान सब आपस इतिहाद के साथ इतफाक के साथ और प्रशासन के भाईचारे साथ आपसे 50 साल काम अंजाम पाया है। दुआ है अल्लाह ताला से ये सब चीज़ें कायम दायम रखे और हमारे शहर में हमारे मुल्क में अमन चैन सुकून की फिजा कायम रहे। देखिए हमारे हिंदू भाई का जो त्यौहार हो रहा है उनको मुबारकबाद है कि वो भी इसी सूरत से अमन चैन सुकून से मनाएं और अपने त्यौहारों को सही तरीके से मनाएं। और हर त्यौहार का कोई ना कोई मैसेज होता है, पैगाम होता है, उसके हिसाब से चलकर हर त्यौहार बनाया जाएगा तो कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारे शहर प्रशासन ने बहुत इंतजाम किया, पुलिस ने भी, हमारे पूरे डीएम साहब की पूरी टीम ने, कप्तान साहब की पूरी टीम ने बहुत मेहनत से राजन भेंट किया, भाईचारा किया, कॉर्नर मीटिंग की, जिसके वजह से हमारा अच्छा माहौल शहर का रहा और हर तरह की सफाई हो रही। पुलिसकर्मी ने भी बहुत दिन रात मेहनत किया। हम सोए हैं, वो जागे हैं, ज़्यादा इंसूर हम उनको मुबारकबाद देते हैं। त्यौहार कुर्बानियों का त्यौहार है, सेक्रीफाइस का त्यौहार है। ये हमें तालीम देता है कि हम अल्लाह की राह में अपनी हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं। मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी लोगों के काम आएँ, ईसार का जज्बा रखें, कुर्बानी का जज्बा रखें, अपनी ज़िंदगी को प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ाएँ। देखिए हम सारे मजहबों का एहतराम करते हैं और कांवड़ यात्रा का भी हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि ये भी साथ खैर के हमारे मुल्क में अच्छी तरह से संपन्न हो और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हम आहंगी से हर त्यौहार को मनाएं। बज़ाहिर बहुत अच्छे इंतजाम थे, किसी को कोई परेशानी नहीं है। जबकि कल बारिश हुई थी और मैदान में काफ़ी पानी था, हमारे प्रशासन ने दिन रात मेहनत करके इस पानी को खुश करने की कोशिश करी। हम शुक्रगुजार हैं, जहां अच्छा काम होता है उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। मैं तो यही मैसेज दूंगा कि कुर्बानियों का त्यौहार है, कुर्बानियों को अपनी आम ज़िंदगी में भी शामिल करिए और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से तसादुम ना करें, इज्जत की लड़ाइयाँ ना लड़ें, सब प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ाएं अपनी ज़िंदगी को। और ये भी कहना चाहूँगा कुर्बानी के गोश्त की बेअदबी ना करी जाए, उसको कूड़े पे या इधर उधर ना फेंका जाए, उसको दफन कर दिया जाए। हम लोग पूरी एहतियात के साथ हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे माहौल में और शांतिपूर्ण ढंग से नमाज सम्पन्न हुई है। कल थोड़ा मौसम ख़राब था, लेकिन आज मौसम ठीक रहा और किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं नहीं आई। सभी लोग शांति से आए और नमाज अदा करके अपने घरों को चले गए हैं। एहतियात के तौर पर हमने पूरी अलर्टनेस रखी हुई थी, ड्रोन से निगरानी भी हम लोग कर रहे थे कि कोई खुराफाती तत्व इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न करे, लेकिन सब बहुत अच्छा था और सभी को ईद की बहुत मुबारकबाद। लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा, सभी हमारी संस्थाएँ, हमारे ईदगाह कमेटी के लोग और हमारी शांति समिति के लोग, सिविल डिफेंस के लोग, सभी के सहयोग से बहुत अच्छे माहौल में नमाज संपन्न हुआ। मैं फिर से यही कहूँगा कि त्यौहार हमारी हंसी खुशी से मनाने के लिए हैं
हम लोग त्योहारों को अपने जीवन में उत्साह के रूप में लें और अच्छे माहौल में हम लोग इस तरह के सभी त्योहारों को मनाते रहेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।